समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रेस को यहां पर संबोधित किया और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तमाम तरह के अपराध हुए हैं। उन्होंने हाथरस कांड का जिक्र किया, उन्होंने शाहजहाँपुर कांड का जिक्र किया और गोरखपुर की घटना जहां एक व्यापारी को पुलिस वालों ने पीट पीट कर मार डाला था उस घटना का जिक्र किया और कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर यह सरकार पूरी तरह फेल है। उन्होंने महंगाई का जिक्र किया, बेरोजगारी का जिक्र किया और कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो हम गर्मी नहीं निकालेंगे बल्कि हम रोज़गार के अवसर निकालेंगे। इस तरह से वो खास तौर पर सत्ता नसीब भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हुए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने कई बार बाबा के साथ मुख्यमंत्री का संबोधन किया और बताया कि किस तरह से पूरे प्रदेश में अराजकता है, एक तरह की तोहमत लगाई। और उन्होंने सहारनपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर लकड़ी कारोबार को बढ़ावा देने की बात की और बताया कि यहाँ पर शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय के निर्माण का श्रेय भारतीय जनता पार्टी जरूर ले रही है। ATS सेंटर की संघ बुनियाद रख दी गई है लेकिन इसके लिए बजट में कहीं कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जो कुछ बातें वो हवा हवाई हैं। इस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास किया। मैं सबसे पहले प्रेस के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। जो हवा चल रही है इस बार बदलाव की हवा है, लोग परिवर्तन चाहते हैं, खासकर वो किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग आज परिवर्तन की तरफ देख रहे हैं, बदलाव की तरह देख रहे हैं। जो माहौल देखा है पहले चरण में, उस माहौल के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। मैं आज सहारनपुर में समाजवादी पार्टी और RLD के सभी प्रत्याशियों के समर्थन में, उनके सहयोग के लिए, उन्हें जिताने के लिए मैं आपके माध्यम से अपील करने आया हूं। ये सहारनपुर जहाँ माँ शाकुंभरी देवी का मंदिर है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास के प्रदेशों की और देश के कई लोग आते हैं। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि जो भी विकास कार्यों में अगर जोड़ करके हमें करना पड़ेगा तो विकास को आगे ले जाने का काम, जहाँ एक तरफ माँ शाकुंभरी देवी का शक्तिपीठ है वहीं दूसरी तरफ देवंद है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो गंगा जमुनी तहजीब का है, जो हमारी मिली जुली तहजीब है, जो संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने के लिए और सहारनपुर के लिए विकास के लिए अगर विशेष हमें करना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में हम लोग विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस दिशा में चुनाव को ले जाना चाहती है वो अपनी उपलब्धियाँ नहीं बताना चाहते हैं, वो आरोप को लगा रहे हैं। और मैंने देखा है कि जितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी का नेता है उतना बड़ा झूठ बोल रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी का छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा है, उससे बड़ा नेता है तो उससे बड़ा झूठ बोल रहा है, सबसे बड़ा नेता है तो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार झांसा दे रही है, झगड़ा लगाने का काम कर रही है और झूठ बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम भी बदल लेना चाहिए, भाजपा की जगह भाजपा करना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए अधिकारों के खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। मैं समाजवादियों के साथ साथ सभी अम्बेडकरवादियों से अपील करता हूं कि इस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का सरकार रहा है, केवल फीस को लेकर के नहीं या संस्थाओं को लेकर के नहीं, हर जगह जो संविधान ने हमें हक और सम्मान दिया उसको छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मुझे खुशी है इस बात की कि आप ये बात को उठा रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, कारीगरों को और कारीगरों के परिवार के लोगों को इलाज और उनके सामाजिक या उनको सोशल सिक्योरिटी की देने की बात होगी तो समाजवादी पार्टी अलग से पॉलिसी ला करके इन कारीगरों को और इनके कारीगरों के परिवार को स्वास्थ्य और सामाजिक
शिक्षा को लेकर के इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए पॉलिसी लेकर के आएंगे। इधर लगातार भारतीय जनता पार्टी इसी तरह का झूठ फैला रही है, इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा है, अगर बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा है। अभी हाल ही में देश के गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि जो पैसा निकला था वो समाजवादियों का था, इत्र व्यापारी वाला, इससे बड़ा झूठ क्या और हो सकता है, जब देश के बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग झूठ बोल रहे हों। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, इधर तो मैं किसी पत्रकार साथी को ईमानदार भी नहीं बोल सकता, अगर मैं ईमानदार बोल दूँ तो हो सकता है झगड़ा हो जाए। मुझे खुशी है इस बात की, हाल ही में बीबीसी ने एक फैक्ट चेक किया कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं क्या ये सच बोल रहे हैं। हम और आप सरकार के आंकड़ों पर भरोसा करते हैं, सरकार के अपने विभाग पर, जो NCERB का आंकड़ा कहता है वो कुछ और तस्वीर दिखाता है। इसीलिए मैं खुशी है इस बात की कि BBC ने अभी हाल ही में एक स्टोरी की और उसमें पूरे फैक्ट चेक कर करके बताए कि आखिरकार कानून व्यवस्था कहाँ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी कोई नहीं है। आज देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में, जो महिला कमीशन को सबसे ज़्यादा शिकायतें अगर देश में कहीं से आई हैं तो उत्तर प्रदेश से आई हैं। कस्टोडियल डेथ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो भारत सरकार का है, सबसे ज़्यादा नोटिसेस उत्तर प्रदेश सरकार को दी हैं। सबसे ज़्यादा फेक इनकाउंटर अगर कहीं हुए तो उत्तर प्रदेश में हुए। किसान आंदोलन में न जाने कितने किसानों को झूठे मुकदमे लगाए गए, ट्रॉली लेकर के गए तो मुकदमे लगे, डीजल भरवाने गए तो मुकदमे लगे। आपने और हमने देखा कि किस तरीके से गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी किसानों पर, सरकार बचाना चाहती थी। संविधान और कानून को जिस तरीके से किसानों को कुचला उसी तरीके टायर से कुचलना चाहती थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोल रही है। अरे सबसे बड़े माफिया आप जानते हो कौन है? आपको नहीं पता सबसे बड़ा माफिया कौन है? उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी मुख्यमंत्री पर इतनी गंभीर धाराएं लगी हों। मुख्यमंत्री पे धाराएं, डिप्टी CM पे धाराएं, और सबसे ज्यादा अपराधी मामलों में जिन पे आरोप है, सबसे बड़ी सूची अगर कहीं जा रही हुई तो भारतीय जनता पार्टी की। उनके तमाम ऐसे लोग हैं जो जिन पर गंभीर आरोप हैं, वो उनको टिकट दी है। हमारे साथी जो सवाल उठा रहे हैं, मैं अच्छा हुआ आपने बता दिया, मेरे दिमाग से निकल जाती बात। अभी आगरा में फतेहाबाद को लेकर के एक बड़ा सवाल है, मैंने भी उस बात को रखा है, पार्टी भी रखेगी, और मैं कल प्रेस में भी ये बात कहूँगा और आज आपके सामने कह रहा हूँ। एक को वोट डालना था, अधिकारी आए और उस विकलांग नौजवान ने कहा कि अधिकारियों ने वोट डाल दिया। जब गाँव के लोगों ने घेरा और जब पूछताछ की तो अधिकारी को वो पहचान लिया कि ये अधिकारी है, और फिर दूसरी टीम गई अधिकारियों की वोटर्स को समझाने। वो ये कह रहे हैं कि अरे एक ही वोट तो खराब पड़ गया है, एक ही वोट की तो बात है। मैं चुनाव आयोग से आपके माध्यम से कहूँगा कि ये हेरा फेरी अधिकारी कर रहे हैं, और मैंने पहले दिन से कहा कि कई ऐसे अधिकारी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। मैंने समय समय पर शिकायत की है, पार्टी ने समय समय पर शिकायत की है, और शिकायत पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो अधिकारी सरकार को खुश कर रहे थे उन्हें इनाम दिया गया टिकट का, जो अधिकारी सरकार को खुश कर रहे थे अपनी नौकरी में रहते रहते, नौकरी करते करते, उन्हें सरकार टिकट दे रही भारतीय जनता पार्टी। अगर एक वोट पे छीना झपटी हुई है, मुझे याद है राकेश टिकैत जी भी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि कुछ हेरा फेरी हो रही है। ललितपुर से लेकर के सहारनपुर तक आप जानकारी कर लें कि कई लोगों के इन्होंने पहले से वोटर ID कार्ड ले लिए हैं वोट डलवाने के लिए, और अधिकारी जो छोटे अधिकारी उन पर दबाव बना रहे हैं कि अगर उनकी मर्जी से वोट नहीं दोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये शिकायत चुनाव आयोग को करेंगे। हमें उम्मीद है कि ये मामला जो सामने आया है कि एक वोट को किस तरीके से अधिकारियों ने मिलकर के बैलेट पे
ठप्पा बीजेपी का मरवा दिया। इन ऐसे अधिकारियों को अगर चुनाव आयोग टर्मिनेट नहीं करेगा तो न जाने कितने अधिकारी इस तरह का वोट डलवा लेंगे। देखिए पत्रकार साथियों, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठा कोई नहीं है। मुझे याद है लखनऊ में, राजधानी में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया और अभी तक वो यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई साढ़े चार साल में। अगर साढ़े चार साल में वो यूनिवर्सिटी बन गई है तो बता दो। तो मैं ये भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब चुनाव में जनता तुम्हें उत्तर प्रदेश से हटा रही है तो माँ शाकुंभरी देवी के नाम पर, माँ शाकुंभरी देवी के नाम पर आप यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो आप पूरा कब करोगे? क्या सेंट्रल बजट से पूरा करोगे? क्योंकि बाबा जी तो जा रहे हैं, बाबा जी तो पूरा नहीं करेंगे। लेकिन मैं सहारनपुर के अपने आप लोगों के सामने ये कह सकता हूँ, आज के समय के हिसाब से यूनिवर्सिटी के कोर्सेज, नौकरी और रोजगार मिलेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हो अमेरिका की कंपनी कंडे बेच रही है ऑनलाइन? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अमेरिकन बड़ी बड़ी कंपनियां कंडे बेच रही हैं ऑनलाइन? आज जो चाहो वो ऑनलाइन आपको मिल सकता है। कोरोना के समय पे आपने देखा होगा किस तरीके से ऑनलाइन व्यापार कितना बढ़ गया जाकर के। तो जो यूनिवर्सिटी बनेगी माँ शाकुंभरी में, अब बीजेपी वाले तो नहीं बनाने वाले हैं, लेकिन मैं अपने सभी विधायक और मंत्रियों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ, समाजवादी लोग हमेशा दुनिया का बेहतरीन काम करते हैं। अगर समाजवादियों ने न बनाया होता एक्सप्रेसवे, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस, तो शायद प्रधानमंत्री ऐसे हाईवे पे हवाई जहाज से नहीं उतर सकते थे। वो समाजवादियों का विजन था। इसलिए माँ शाकुंभरी देवी के नाम पर जो यूनिवर्सिटी बन रही है, भारतीय जनता पार्टी धोखा देने के लिए यूनिवर्सिटी बना रही है, जो अपने नेता के नाम पर यूनिवर्सिटी नहीं बना पा रहे। आज भाजपाइयों से पूछेगा कि अगर समाजवादियों ने लोहिया इंस्टीट्यूट न बनाई होती तो उसके 9th फ्लोर पे इनकी यूनिवर्सिटी चल रही है। इनका वाइस चांसलर रोता है सुबह शाम कि बताओ हमें वाइस चांसलर बना दिया और 9th फ्लोर पे बैठा दिया, वो भी राम मनोहर लोहिया लॉ इंस्टीट्यूट में, वो राम मनोहर लोहिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो इनसे क्या उम्मीद करोगे आप? और सुनिए, शेखुल हिंद जो मेडिकल कॉलेज है, आप सब यहीं के पत्रकार हैं, आप जानकारी कर लें, सभी डॉक्टरों को गोरखपुर भेज दिया, सभी डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टाफ को गोरखपुर ले गए। आखिरकार बाबा मुख्यमंत्री क्यों ले गए वहां गोरखपुर में? माता का नाम नहीं जाएगा माता के नाम पर जो यूनिवर्सिटी बनी। मैंने इसीलिए कहा आपसे कि उसको और अच्छा कैसे बनाया जाएगा, ये बाबा लोग कुछ जानते भी हैं? अच्छा आप बताइए, आपके यहाँ टैबलेट बढ़ गया? टैबलेट बटा क्या किसी को? स्मार्टफोन मिला, लैपटॉप मिला? अरे बाबा जी चलाना ही नहीं जानते तो आपको क्यों बांटेंगे? इसलिए यूनिवर्सिटी में अगर हमें नए जमाने के हिसाब से कोर्सेज या चीज़ों को रखना पड़ेगा तो हम रखने का काम करेंगे, जिससे कि यूनिवर्सिटी यहाँ के काम कारोबार और लोगों को रोजगार दिला सके। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि 22 लाख लोगों को जो नौजवान हैं उन्हें क्वालिटी जॉब्स देंगे, क्योंकि इंदौर के लोग लखनऊ जल्दी पहुँच जाएँ। मैं जब तीसरों में गया तो मैंने कहा कि कम से कम वो इंफ्रास्ट्रक्चर बने कि अगर सहारनपुर के लोग 5-5.5 घंटे में पहुंचना चाहें लखनऊ में तो पहुंच जाएं। ऐसे एक्सप्रेसवे बने, अरे एक्सप्रेसवे की नकल बीजेपी कर रही है। और आपने नहीं देखा जिस समय लॉकडाउन हुआ है, इसी बॉर्डर पे मजदूर बिहार के और यूपी के, सोचो कितना अपमानित हुए, घंटों उन्हें खड़ा रहना पड़ा, ना वो शौचालय जा सकते थे, ना उनके पास कोई खाना था, और कैसे प्रदेश के लोग बड़ी मजबूरी में, मुश्किलों में, ट्रकों में बैठ बैठ के गए, एक्सीडेंट हो गया, जाने गई लोगों की, क्या मदद की सरकार ने? क्या मजदूरों ने नहीं देखे वो दिन? क्या हम लोग वो बात भूल जाएंगे कि बड़ी संख्या में लाशें गंगा में बह रही थी, दवाई नहीं थी, बिस्तर नहीं थे? आपके लोगों ने, और सहारनपुर में आप जानकारी करिए, उन दिनों न जाने कितने लोगों ने अपने सेविंग से पैसा निकाल करके अपने परिवार के लोगों को इलाज कराया होगा। लोग चंडीगढ़ भागे होंगे, बगल के प्रदेश में भागे, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री इलाज नहीं करा पाए, तो ये कैसे भूल जाएगी जनता? और फिर 700 किसान की शहीद हुए, 700 किसान। बीजेपी बताए कि जिस समय 3 काले कानून लाए थे तो किसानों के हक में क्या क्या था, जब 3 कानून वापस ले लिए तो अब क्या किसानों के हक में है?
ये उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कोई भी फैसला ले सकते हैं। एटीएस की सबसे अच्छी बिल्डिंग समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में बनाई। सवाल ये है कि वो चुनाव के लिए कहते हैं, जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जी के नाम से मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास करवाया, और कहां शिलान्यास करवाया, जो लोक भवन है मुख्यमंत्री ऑफिस उसके सामने, और आज तक यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए और बाबा होके झूठ बोलते हैं। आपको पूछना चाहिए था बजट कहां एटीएस सेंटर बनाने का। भाई बजट पास हो गया, यहां जितने पत्रकार साथी हैं, जिस सरकार का बजट पास हो गया हो, किसी के हेड में पैसा ना हो, वो एटीएस क्या बनाएंगे? 100 नंबर की गाड़ी 112 कर दी, पुलिस कवाड़ा होगी कि नहीं हो गई? जो पुलिस की 100 नंबर गाड़ी के टायर ना बदल पा रहे हो, वो एटीएस क्या बनवाएंगे? आप बताइए, सहारनपुर में समाजवादी सरकार ने जितनी 100 नंबर वाली गाड़ी दी थी, क्या एक भी गाड़ी बढ़ा दी? कानून व्यवस्था के लिए अगर हमें गाड़ियां बढ़ानी पड़ेंगी तो बढ़ाएंगे। जो लोग ये बात कह रहे हैं उनसे बताओ, तुमने बजट में क्या रखा? 4.5 साल क्या सोते रहे आप? अगर आपको कोई एटीएस सेंटर बनाना था तो आपने क्यों नहीं बनाया? अभी मैं नोएडा गया था तो किसी ने पटाखा चला दिया खुशी में, हम पे और जैन चौधरी पे मुकदमे दर्ज हो गए। किसान आंदोलन में हम लोग निकल रहे थे घर से बाहर, कोविड प्रोटोकॉल का तोड़ने में हम लोगों ने, हम पे मुकदमे दर्ज हो गए। अब आप, हम सब खड़े हैं, सरकार चाहे तो हम सब पे मुकदमे दर्ज कर सकती है कि प्रोटोकॉल ही नहीं मान रहे हम लोग। समाजवादी सरकार में शायद किसी पत्रकार को इस तरीके से परेशान सरकार के माध्यम से नहीं किया जा सकता था और ना कोई करता था। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आपके पास सुझाव कोई है तो जरूर सुझाव देना, जिससे हम उस पर काम कर सकें। लेकिन यही मैं निश्चित कर सकता हूं कि अगर आप कोई भी बात ऐसी लिखते हैं या दिखाते हैं जिसमें लोकतंत्र मजबूत होता है, आप पर कोई मुकदमा, कोई केस दर्ज नहीं होगा। और सुरक्षा के लिए अगर विशेष हमें ये 100 नंबर वाली गाड़ियों में या 100 नंबर वाले सेंटर में कोई व्यवस्था करनी पड़ी, खासकर पत्रकार या बहन बेटी के लिए, तो वो व्यवस्था की जाएगी। हमारे पत्रकार साथी बिजली को लेकर कह रहे हैं, समाजवादी सरकार में सबसे ज़्यादा बिजली के कारखाने लगे और उन्हीं कारखानों की वजह से आज उत्तर प्रदेश को 24 घंटे 18 घंटे 16 घंटे बिजली मिल रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ बाबा मुख्यमंत्री से कि 12 से लेकर के से 17 तक तो लगे कारखाने, 17 से लेकर के 22 तक अगर एक भी बिजली का कारखाना लगाया हो तो हमें बता दो आप। सबसे ज़्यादा स्टेशन या जितने लोग बैठे हैं, जो लोग उस समय सरकार में रहे होंगे, आप सहारनपुर में पता कर लीजिए, सबसे ज़्यादा सब स्टेशन बनाए, सबसे ज़्यादा फीडर सेपरेशन के लिए काम किया, सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइन्स लगाई, और ट्रांसफार्मर के लिए भी किसानों के ट्रैक्टर से नहीं, हमने अलग से व्यवस्था की कि अगर उसका ट्रांसफार्मर खराब होगा तो 24-48 घंटे तब होंगे जब ट्रांसफार्मर बदल जाएगा। तो ये जो बिजली मिल भी रही है वो समाजवादियों की देन है, और जो बिजली के बिल मिल रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। जब बिल आते होंगे तो करंट लगता होगा। और जो बात हमारे साथी कह रहे हैं गर्मी वाली, वो गर्मी ना निकालें, पुलिस की और फौज की नौकरी निकालें। और जो इलाका सर्दी वाला है, इस बार यूथ अपने बूथ पे इतना वोट डालेगा कि बाबा मुख्यमंत्री जी अपने ठंडे इलाके में पहुंच जाएंगे, पड़ोस में। जो लोग कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें, और कानून व्यवस्था को लेकर के जो हमें ठोस कदम उठाने पड़ेंगे वो हम लोग उठाएंगे। ये 100 नंबर 112 जो हो गई, ये भी समाजवादी पार्टी की देन थी, और मैनिफेस्टो में आप देखेंगे कि पुलिस को और अच्छा काम करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं वो करेंगे। जहाँ तक गुंडे माफिया उसकी बात है, किसी मुख्यमंत्री ने जेल में जाकर के किसी माफिया के साथ कॉफी बिस्किट नहीं खाया होगा। उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री बनारस की जेल में माफियाओं से और अपराधियों से बैठ करके 3 घंटे कॉफी और बिस्किट और नमकीन खाया और ड्राई फ्रूट भी खिलवाए। और ये बात अगर गलत है तो आप बताइए, आप पता कर लीजिए। लेकिन समाजवादियों के पे आरोप लगाना, झूठे मुकदमे लगाना, सब पे झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। सवाल है कि नौजवानों को नौकरी रोजगार दोगे कि नहीं दोगे? आज यूपी के लोग महंगाई का सामना कर रहे हैं, आय दोगुनी होगी कि नहीं होगी? इन बाबा मुख्यमंत्री जो अपने संकल्प पत्र में लिखा कि आय दोगुनी होगी, आज तक किसान की आय दोगुनी हुई?
इन्होंने कहा हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में बैठेगा, हवाई जहाज बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए, और डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो गया। पेट्रोल 100 के पार है कि नहीं यहाँ पर, क्या अभी करीब में है? सहारनपुर में 60% समाजवादी पार्टी अर्ली जीतने जा रही है। अगर यहाँ 60% जीतने जा रहे हैं तो समझ लो उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीतने जा रहे होंगे। अरे खाना बनाते हो, चावल बनाते हो, एक ही चावल तो चेक करते हो, हमने चेक कर लिया, सहारनपुर पूरा 60% जीतने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन नितिन भारद्वाज के साथ मैं अवनींद्र कमल, जनवाणी न्यूज, सहारनपुर।